देवरिया जनपद की गौरी बाजार ब्लॉक क्षेत्र के बर्दगोनिया ग्राम सभा के एकलव्य स्टेडियम के ग्राउंड में अमृत महोत्सव के तत्वाधान में विकास खंड स्तरीय ग्रामीण बालक बालिकाओं की खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस प्रतियोगिता में कबड्डी, वॉलीबॉल, दौड़ सहित तमाम खेल होंगे। शुभारंभ खेल बालिका कबड्डी से आगाज हुआ, जिसमें बर्दगोनिया बनाम एकलव्य स्टेडियम के बीच खेला गया, जिसमें एकलव्य स्टेडियम ने बर्दगोनिया को हार का स्वाद चखाया। वहीं एक दिवसीय ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे ग्राम प्रधान शैलेंद्र शाही उर्फ शैलू ने फीता काट कर खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। शैलेंद्र शाही ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और उनका उत्साहवर्धन किया और कहा कि खेल से शारीरिक विकास होता है और उन्होंने कहा कि खेल को खेल भावना से खेलना चाहिए, देश भावना से नहीं। कबड्डी प्रतियोगिता का रेडर रहे मनोज निषाद व टाइगर निषाद इस खेल प्रतियोगिता के देखरेख व कंपेंटर रहे रमाकांत मास्टर। इस मौके पर क्षेत्र युवा कल्याण अधिकारी गौरी बाजार कुंवर बहादुर यादव, खंड विकास अधिकारी गौरी बाजार विवेकानंद मिश्रा, प्रभात राय, नीतीश राय, संजय सिंह आदि ग्रामवासी उपस्थित रहे। टुडे इंडिया लाइव न्यूज़ के लिए सोनू यादव की खास रिपोर्ट। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एक दिवसीय प्रतियोगिता रखा गया है वीर क्लब स्टेडियम में। उसी के उपलक्ष्य में ये कबड्डी का और वॉलीबॉल का प्रतियोगिता रखा गया है। राम जी, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं खेल कूद पे नहीं ध्यान दे रहे हैं, मोबाइल पे, जैसे व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर, इस संबंध में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए हमारे ग्राम सभा के बच्चे, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरे ग्राम सभा के बच्चे हर चीज़ में, हर फील्ड में आगे हैं। अभी आपको मैं अवगत करा देना चाहता हूँ, हमारे वहाँ की बालिकाएँ राज्य स्तरीय तक कबड्डी प्रतियोगिता और वॉलीबॉल प्रतियोगिता खेल के आई हैं। कहाँ कहाँ टीमें आई हैं? ये बेलकुंडा, अभी तो मैच फिलहाल प्रारंभ चल रहा है, बेलकुंडा और बर्दुनिया, इसके पहले आपको नारायणपुर और रईसरी के बीच खेल समाप्त हुआ है। खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए क्या कहेंगे? देखिए खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के मामले में मैं खेल और खिलाड़ियों का बहुत ही सम्मान करता हूँ। सम्मान इसलिए करता हूँ कि मैं भी इसी ग्राउंड से निकल के खेला हूँ, पढ़ा हूँ, लिखा हूँ, इसी खेल के मैदान में मेरा भी जन्म कर्म हुआ है, इसलिए खेल और खिलाड़ियों का मैं सम्मान करता हूँ। कौन सा खेल होगा यहाँ इस समय? अभी तो फिलहाल कबड्डी चल रही है, इसके बाद वॉलीबॉल चलेगी, उसके बाद रनिंग है।